वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे प्रश्न जो कि आपको हूबहू आपके पेपर में मिलेंगे। जी हाँ, 100% गारंटी हमारी, क्योंकि हमेशा ये पिछली टेट परीक्षाओं में पूछे गए। कोई भी टेट परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या सीटेट, हमेशा पूछे जाते हैं, तो हर टेट परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। हमारी क्लासेस का समय आपकी स्क्रीन पर है। रोज़ सुबह 8 बजे बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, दोपहर बाल विकास, शाम को 8 बजे की स्पेशल क्लास। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, जिसकी सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा। अगर मित्रों कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन की एक सुई व्यक्ति को दे दी जाए, प्राणी को दे दी जाए, तो भूख कम हो जाती है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इरोस शब्द किससे संबंधित है। तो इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, भय मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो यह जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस शब्द किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना संवेग, कुंठा, अभिप्रेरणा या आक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मैस्लो के द्वारा। प्रश्न है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ओके, ये इससे बालक स्वस्थ रहता है, शीघ्र सीखता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे बालक जो है शीघ्र सीखता है। ओके, अगला प्रश्न है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रलोभन। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है हमेशा, ये कहलाती है प्रेरक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन ये विशेषताएँ हैं औपचारिक संक्रियावस्था की। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, औपचारिक संक्रियावस्था। अगला प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो शिक्षिका के द्वारा क्या कहा जाना चाहिए, इसका सही जवाब है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 189 देखिएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसा प्रोत्साहित कर सकती है, किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही जवाब है कि वह व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर उनको उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 190 देखिएगा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्रोध और भय प्रकार हैं किसकी। तो क्रोध और भय प्रकार हैं संवेग के। प्रश्न है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेग का
ऐसा सिद्धांत है जेम्स लैंग सिद्धांत जो कि इसे मानता है। ओके, जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। प्रश्न है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत प्रबल होने वाला जो अवयव है या फिर जो प्रेरक है वो है उपलब्धि। प्रश्न है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसके द्वारा? तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति के द्वारा। प्रश्न है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया। प्रश्न है कि किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? तो वही प्रश्न हमने अभी देखा है, किसने? युंग ने। प्रश्न है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? तो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। प्रश्न है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है स्किनर को। प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान है, विश्वसनीयता है तथा इसे प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय इस कथन को अस्वीकार करता है? इस कथन को न मानने वाला या फिर अस्वीकार करने वाला संप्रदाय है संरचनावाद। अगला प्रश्न है कि आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, वो है व्यवहारवादी उपागम। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? तो अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में योगदान है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का। ओके, स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का इसमें योगदान है। अगला प्रश्न है कि वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता वो है वर्ष का माह। इसके अलावा प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करेगा, अधिगम विधि प्रभावित करेगी, विषय वस्तु की प्रकृति प्रभावित करेगी। तो इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे कि किसी तरह से आपको कंप्लीट वाल्वकास्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप पेडागोजी देख सकते हैं, गणित विषय की, हिंदी विषय की और बाल विकास कंप्लीट देख सकते हैं।